बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर शहला अकरम, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी इन डीपीएस एंड इंटर कॉलेज साहिवाल। आई वेलकम यू ऑल इन डीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, हमारा आज का लेसन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें फर्दर हम डिस्कस करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन आर्टीरियल एंड वीनस ब्लड, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, लंग्स कैपेसिटीज। अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व फ्रीली इन द टिश्यू फ्लूइड सराउंडिंग द सेल्स। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के निस्बत ज़्यादा आसानी से डिसॉल्व हो जाती है, ज़्यादा सॉल्युबल होती है और ये सेल्स के सराउंडिंग में जो टिश्यू फ्लूइड है वहाँ से फ्रीली जो है वो डिसॉल्व होती है इनटू द सेल। टिश्यू फ्लूइड से डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड कैपिलरीज में मौजूद प्लाज्मा में एंटर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन सेवरल डिफरेंट स्टेट्स सच एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाय प्लाज्मा प्रोटीन्स, एस बाइकार्बोनेट आयन बाय ब्लड कॉर्पसल्स। Now we are going to discuss in detail that how carbon dioxide is transported in blood in different states. Some of the carbon dioxide, about 20%, is carried as carboxyhemoglobin. Carboxyhemoglobin उस वक्त बनती है जब carbon dioxide amino group of hemoglobin जो है उसके साथ combine करती है। Other plasma proteins also carry about 5% carbon dioxide from body fluids to the capillaries of lungs. 70% carbon dioxide is carried as bicarbonate ion combined with sodium in the plasma. As carbon dioxide from tissue fluid enter the capillaries, it combine to form कार्बोनिक एसिड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू फ्लूइड से कैपिलरीज में एंटर होती है ये कार्बोनिक एसिड जो उसको फॉर्म करती है। कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इट इज कन्वर्टेड इनटू कार्बोनिक एसिड। The carbonic acid split quickly and ionizes to produce hydrogen ion and bicarbonate ion. ये carbonic acid foreign split होता है और उससे hydrogen ion और bicarbonate ion जो है वो produce होते हैं। When blood leaves the capillary bed, most of the carbon dioxide is in the form of bicarbonate ions. कि जब ब्लड जो है वो कैपिलरी बेड लीव करता है तो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आइंस की शक्ल में मौजूद होती है। ये तमाम रिएक्शंस रिवर्सिबल हैं। इन द लंग्स बाइकार्बोनेट आइंस कंबाइन विद हाइड्रोजन आइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। लंग्स में बाइकार्बोनेट आइन दोबारा से हाइड्रोजन आइन जो है उसके साथ मिलने के बाद कार्बोनिक एसिड फॉर्म करते हैं और फिर कार्बोनिक एसिड जो है वो स्प्लिट होने के बाद वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इट इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड विच डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द कैपिलरीज ऑफ द लंग्स इनटू द स्पेस ऑफ एल्वोलर सैक। यही वो कार्बन डाइऑक्साइड है
जो कि कैपिलरीज में से लंग्स में एल्वोलर सैक के अंदर एंटर होती है. एज यू कैन सी इन दिस इक्वेशन, बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन कंबाइन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड एंड देन कार्बोनिक एसिड स्प्लिट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कैरीड बाय कॉर्पसल्स कंबाइंड विद पोटेशियम. डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन इन आर्टीरियल एंड वीनस ब्लड. आर्टीरियल ब्लड, आर्टीरियल ब्लड मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट इन द पल्मोनरी वेन एंड आर्टरीज ऑफ द बॉडी. एंड वीनस ब्लड, वीनस ब्लड मीन्स डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट इज प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स इन द बॉडी. It has been found that arterial blood contains about 50 milliliter of carbon dioxide per 100 milliliter of blood. ये देखा गया है कि arterial blood जो उसमें 50 milliliter जो है वो carbon dioxide मौजूद होती है per 100 milliliter of blood. जबकि venous blood जो है उसमें 54 milliliter carbon dioxide मौजूद होती है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड. तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड है उसमें सिर्फ 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इजाफा होता है जब ये टिश्यूज जो है उसमें से पास होती है. और यही 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको लंग्स में रिलीज किया जाता है जब ब्लड जो है वो लंग्स तक पहुंचता है. नेक्स्ट आर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. इसमें हम सबसे पहले लंग्स कैंसर जो है उसको डिस्कस करेंगे. लंग्स कैंसर, मेनी प्रॉब्लम्स इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन टेक प्लेस इफ इनसाइड लाइनिंग इज एक्सपोज्ड कॉन्टिन्यूसली टू अनहेल्दी एयर कंटेनिंग स्मोक एंड अदर पोल्यूटेंट्स. बहुत से प्रॉब्लम जो हैं वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसमें उस वक्त आते हैं जब कॉन्टिन्यूसली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको अनहेल्दी एयर जो है उसका सामना हो. अनहेल्दी एयर विच कंटेन्स स्मोक एंड अदर पोल्यूटेंट्स. लंग्स कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस डिजीजेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. कैंसर और कार्सिनोमा इज बेसिकली मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ पोटेंशियली अनलिमिटेड ग्रोथ दैट एक्सपेंड्स लोकली बाय इन्वेजन्स एंड सिस्टमैटिकली बाय मेटास्टेसिस. कैंसर और कार्सिनोमा बेसिकली मेलिग्नेंट ट्यूमर है जिसमें के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, अनलिमिटेडली ये ग्रो कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है इन्वेजन्स के जरिए से और मेटास्टेसिस जो है उसके जरिए से. कैंसर कैन इंक्लूड रेस्पिरेटरी पैसेजेस एज द ट्यूमर रिप्लेसेस लंग्स टिश्यू. स्मोकिंग स्पेशली इन द यंग एडल्ट इज द मोस्ट पोटेंशियल थ्रेट ऑफ द लंग्स कैंसर. स्मोकिंग खास तौर पे यंग एडल्ट जो हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा जो है वो लंग्स कैंसर को कॉज करने की वजह बनता है. ऐसे लोग जो स्मोकिंग करते हैं या ऐसे एरियाज में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक धुआं जो है वो मौजूद होता है, कंजेस्टेड एरियाज होते हैं, वहाँ पे रहने वाले लोगों में 10 टाइम ज़्यादा चांसेस होते हैं लंग्स कैंसर के. इट इज़ नाउ एस्टिमेटेड दैट 90% ऑफ लंग्स कैंसर इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग. रीसेंट रिसर्च इंडिकेट्स दैट मोर देन 10 compounds of tar of tobacco smoke are involved in causing cancer. Recent researches जो हैं वो हमें बताती हैं कि tobacco smoke जो है उसके अंदर जो tar के components जो हैं वो पाए जाते हैं उनमें से
10 कंपाउंड्स जो हैं वो तार के ऐसे हैं जो कि कैंसर को कॉज करने की सलाहियत रखते हैं। आवर नेक्स्ट डिजीज इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इन फैक्ट इट इज अ जर्नल नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस इज अ डिजीज ऑफ लंग्स। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस लंग्स की डिजीज है इन विच इनसाइड ऑफ द लंग इज डैमेज्ड रिजल्टिंग इन कफ एंड फीवर, जिसमें अंदर से लंग्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और उसकी वजह से कफ और फीवर जो है वो कॉज होता है। इट इज मोर कॉमन इन पुअर पीपल। माल न्यूट्रिशन एंड पुअर लिविंग कंडीशंस फैसिलिटेट माइकोबैक्टीरियम टू ग्रो। प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड जो उसका ना होना और पुअर लिविंग कंडीशन जिनमें हाइजेनिक मैयर्स जो हैं उनको ना लेने की वजह से माइकोबैक्टीरियम फैसिलिटेट होता है और ज़्यादा तेज़ी से उन लोगों में ग्रो करता है। ये डिजीज क्योरेबल है लेकिन इसमें प्रॉपर मेडिकल अटेंशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। ये एक कंटेजियस डिजीज है। कंटेजियस डिजीज ऐसी डिजीज को कहा जाता है जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद अ इन्फेक्टेड पर्सन जो उसकी वजह से ट्रांसमिट होती है। सो दैट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू द हेल्दी पर्सन। Asthma is a serious respiratory disease associated with severe paroxysms of difficult breathing. Usually followed by a period of complete relief with recurrence of attack more or less frequent intervals. एस्थमा एक बहुत सीरियस रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि एसोसिएट है सीवियर पैरोक्सिम्स ऑफ डिफिकल्ट ब्रीदिंग के, जिस पैरोक्सिम्स हम कहते हैं सडन अनकंट्रोल्ड अटैक जिसमें बार बार सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर होते हैं। डिफिकल्ट ब्रीदिंग जिसमें सांस लेने में मुश्किल जो है वो पेश आती है। Usually followed by a period of relief के जिसमें थोड़ी देर के बाद relief जो है वो patient feel करता है। With recurrence of attack देर के बाद ये symptoms जो हैं वो दोबारा से reappear होते हैं। Causes ये एक allergic reaction है और allergy जो है वो किससे हो सकती है? Pollen से, spore से, cold ठंड की वजह से, humidity और pollution allergic reactions जो हैं वो cause करता है। Which manifests itself by spasmodic contraction of small bronchial tube. Spasmodic contraction क्या होता है? Sudden fit or involuntary contraction of muscles is called spas. Spasmodic also commonly used to refer to a violent emotional outburst. स्मॉल ब्रोंक्यूल ट्यूब्स जो हैं उनका कंट्रैक्ट हो जाना जो है वो स्पेस्मोडिक कंट्रैक्शन जो है वो कहलाएगा। एस्थमा जो है उसमें इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं जिनको हिस्टामाइंस कहा जाता है और ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो उसके अंदर रिलीज होते हैं जिसकी वजह से ब्रोंक्यूल जो है उसके अंदर सीवियर कंट्रैक्शन जो है वो देखी जाती है। नाउ व्हाट आर हिस्टामाइंस? हिस्टामाइंस ऐसे केमिकल्स हैं जो उस वक्त बॉडी रिलीज करती है जब कोई एलर्जी जो है वो आपको अटैक करती है। जैसे अभी हमने कहा कि ये एक एलर्जिक रिएक्शन है तो पोलन्स, स्पोर्स, कोल्ड, ह्यूमिडिटी या किसी भी किस्म का पोल्यूटेंट जो है वो अगर अफेक्ट करेगा तो उसके नतीजे में बॉडी हिस्टामाइंस जो है उनको प्रोड्यूस करना शुरू करती है और उसकी वजह से ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हैं वो कंट्रैक्ट होना शुरू हो जाती हैं जिससे डिफिकल्ट ब्रीदिंग जो है वो स्टार्ट होती है और कफिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। हियर आर द सिम्टम्स ऑफ एस्थमा, दैट इज कफिंग, चेस्ट टाइटनेस,
whizzing and shortness of breath. Dear students, now we are going to study role of respiratory pigments. Various types of respiratory pigments are present in different animals. ये pigments जो हैं वो oxygen के साथ reversibly combine करते हैं और इस तरह से blood की oxygen carrying capacity जो है उसको increase करने की वजह बनते हैं. Hemoglobin बहुत important protein है जो कि बहुत से animals जिनमें human भी शामिल हैं उनके blood में मौजूद होती है. Hemoglobin in man increases the oxygen carrying capacity of the blood to about 75 times. Myoglobin is hemoglobin-like iron-containing protein pigment occurring in muscle fiber. Myoglobin भी hemoglobin की तरह से iron-containing protein pigment है और ये muscle fibers हैं वो उनमें मौजूद होता है. Myoglobin is also known as muscle hemoglobin. ये एक intermediate compound के तौर पे काम करती है for the transfer of oxygen from hemoglobin to aerobic metabolic processes. ऐसे processes जिसमें oxygen को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, खास तौर पे जब हमारे muscles जो हैं वो किसी activity जो उसमें involve होते हैं, तो उस वक़्त हीमोग्लोबिन जो है उससे ऑक्सीजन मायोग्लोबिन हासिल करती है और उन मसल सेल्स को जो इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो उनमें इन्वॉल्व होते हैं उनको पहुंचाती है. ये ऑक्सीजन को स्टोर करने की भी सलाहियत रखती है. मायोग्लोबिन जो है वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है उसके ऊपर मुश्तमिल होती है जिसके साथ आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है. इसी आयरन कंटेनिंग रिंग स्ट्रक्चर के साथ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है. द अफिनिटी ऑफ मायोग्लोबिन टू कंबाइन विद ऑक्सीजन इज मच हायर एज कंपेयर्ड टू द हीमोग्लोबिन. हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम इट इज हीमोग्लोबिन एंड इट इज मायोग्लोबिन. नाउ डिफरेंस बिटवीन मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन. Hemoglobin is a red protein which is responsible for transporting oxygen in the blood of vertebrates. Okay, myoglobin, red protein hai, which carries and store oxygen in the muscle cells. Ke jo carry karti hai aur store kar sakti hai oxygen ko jo ke muscle cells jo hai unme maujood hoti hai. Hemoglobin four polypeptide chains pe mushtamil hai. It is composed of single polypeptide chain. It bind with four oxygen molecule jabki myoglobin one oxygen molecule jo se bind hoti hai. Hemoglobin mein low affinity hoti hai oxygen ko bind karne ki jabki myoglobin mein high affinity hoti hai to bind with oxygen. और ये कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता. कैपेबल ऑफ टाइटली बाइंडिंग विद ऑक्सीजन जबकि इसमें ऑक्सीजन टाइटली बाइंड नहीं होती. हीमोग्लोबिन फाउंड इन ब्लड स्ट्रीम बट मायोग्लोबिन फाउंड इन मसल्स. हीमोग्लोबिन टेक ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स and transported to the rest of the body. Myoglobin stores oxygen in the muscle cells and release it when needed. Lungs capacities. In an adult human being, when the lungs are fully inflated, the total inside capacity of lungs is about 5 liters. Normally, when we are at rest or asleep, the exchange is only about half a liter. कि जब हम exercise करते हैं, उस वक्त हमारे lungs में से जो gas exchange होता है, that is 3.5 liters. कि दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि lungs में
1.5 लीटर्स एयर जो है वो हमेशा मौजूद रहती है। इवन ड्यूरिंग एक्सरसाइज रेस्टिंग कंडीशन पे हम 15 से 20 दफा जो है वो सांस लेते हैं। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट मे राइज टू 30 टाइम्स पर मिनट। ब्रीथिंग रेट एक्सरसाइज में क्यों इंक्रीज हो जाता है? क्योंकि ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारे मसल्स एक्टिव होते हैं और उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से ब्रीथिंग रेट जब इंक्रीज हो जाता है तो फिर ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो डिसॉल्व होती है इन द ब्लड, ताकि एक्टिव मसल्स जो है उनको प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके। एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड जो मसल्स रिलीज करते हैं वो डीप और फास्ट ब्रीदिंग जो है उसके जरिए से ब्लड में से रिमूव की जाती है। देयर इज अ लिटिल चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर ड्यूरिंग रेस्ट और एक्सरसाइज इन मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एयर कैन बी सीन इन द टेबल। Changes in the composition of breathed air. Oxygen in inhaled air, 21% oxygen is present, while in exhaled air it is 16%. Carbon dioxide, inhaled air contains 0.04% carbon dioxide, while exhaled air contains 4% carbon dioxide. In inhaled air, water vapors are variable, while exhaled air is saturated with water vapors. Inhaled air contains 79% nitrogen. Exhaled air also contains 79% nitrogen. Assignment related to the lesson. Choose the correct answer. Number 1, percentage of carbon dioxide carried in the form of bicarbonate in plasma is 65%, 70%, 75% or 80%, and the right answer is 70%. In human being, the respiratory pigment is myoglobin, hemoglobin, bilirubin or hemocyanin, and the right answer is hemoglobin. How many molecule of oxygen can bind with the molecule of myoglobin? 4, 3, 2, 1, and the answer is 1. How much air lungs can hold when they are fully inflated? 5 liters, 4 liters, 4.5 liters, 3.5 liters. And the right answer is 5 liters. Respiratory pigment present in muscles is called myoglobin, globin, hemoglobin, none of these. Right answer is myoglobin. Important questions related to the topic. What is the role of carbonic anhydrase enzyme? Describe the concentration of carbon dioxide in arterial and venous blood of man. Write at least 2 different states of carbon dioxide transportation in blood. What is asthma? Write down its causes. Differentiate between myoglobin and hemoglobin. How much air always remain in the lungs of human beings? I hope students, आपको आज का lesson समझ आ गया होगा. Thanks for watching. Allah Hafiz.